आज के वीडियो उन लोगों के लिए है जो 30 सेकंड के अंदर क्यूब सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर आप पहले से ही 30 सेकंड के अंदर क्यूब सॉल्व कर लेते हो तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हो, लेकिन लाइक करके ज़रूर जाना या फिर कमेंट भी करना। मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा सब 25, सब 20, सब 15 के लिए। सब्सक्राइब कीजिए क्यूबिंग गुरु चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए क्यूबिंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहला जो पहली जो टिप्स है सब 30 बनने के लिए वो है मेथड। तो आप कौन सी मेथड यूज़ करते हो? तो बहुत से लोग CFOP मेथड यूज़ करते हैं। तो FTL मेथड में हम पहले क्रॉस सॉल्व करते हैं, फिर FTL मतलब तो दूसरा लेयर, उसके बाद OLL एंड एंड में PLL। तो FTL के टाइम आपका आपकी जो स्प्लिट्स है वो कुछ क्रॉस के लिए आपको 4 सेकंड लगने चाहिए, देन FTL के लगभग 16 सेकंड लगने चाहिए, 16 सेकंड में आपका FTL होना चाहिए। OLR और PLL को 6 से 4 और 6 या फिर 5 5 आप जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करें, लास्ट ईयर को आपको 10 सेकंड लगने चाहिए। तो ये स्प्लिट्स है, अगर आपने JPM का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ये। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि आपको कहाँ पे वर्क करना है, कि आप कहाँ पे कम पड़ रहे हो। तो आप खुद का सॉल्व रिकॉर्ड करो, उसको स्लो मोशन में देखो कि आपकी स्पीड्स क्या है, फिर आप वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो OLL के लिए टू लूप भी यूज़ करते हैं। अगर आपको FTL के बारे में पता है तो आप थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं। तो FTL में क्या होता है, हम एक क्रॉस बनाते हैं। तो क्रॉस के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हो एडवांस क्रॉस कैसे बनाएं। और क्रॉस को इम्प्रूव करने के लिए आप दूसरे लोगों के वॉक थ्रू सॉल्व देख सकते हैं, और सभी पीसेस का यूज़ करना एक दूसरे को लगाने के लिए, तभी आपका क्रॉस इफिशेंटली बन जाएगा। जैसे कि अभी मैं रेड लगाने वाला हूँ, तो रेड को मैं पहले मिडल लेयर में लाऊँगा, फिर उसकी पोजिशन में, फिर उसको लगाने से पहले मैं पोजिशन में आने के बाद लगाने से पहले मैं ब्लू को लगाऊँगा, फिर ऑरेंज को, फिर रेड को। तो मैंने रेड का यूज़ किया ब्लू को लगाने के लिए, ब्लू का यूज़ किया ऑरेंज को लगाने के लिए, इससे मेरा बहुत टाइम बच गया। तो ये सब एडवांस ट्रिक आपको सीखने पड़ेंगे। फिर उसके नेक्स्ट आता है FTL। FTL के लिए मैंने 2 या 3 वीडियोज़ बनाई है। 2 पार्ट है इंट्यूटिव FTL के ऊपर, और दूसरा पार्ट जो है वो है एडवांस FTL के ऊपर। तो उसको आप देख सकते हैं, जिसके आपके FTL की स्पीड बढ़ जाएगी। और एंड में OLL और PLL जो है, OLL की टू लूप वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, जिसमें शायद से लगभग 8 से 10 एल्गोरिदम है, जिसका यूज़ करके आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। आपको फुल लुक OLL की कोई ज़रूरत नहीं है, और PLL में आपको पूरी PLL आनी चाहिए। JPM शायद से आपको ना आए, लेकिन आप टू लुक PLL का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि JPM की जगह JPM का यूज़ करके सिंपल वाली एल्गोरिदम PLL आपको मिल सकती है। तो ये मेथड, तो मैं आपको CFOP भी प्रेफर करूँगा, अब रू ना जाए क्योंकि आप बिगनर है। तो बिगनर वाले सब बिगनर मेथड सीखते हैं, तो इससे FTL पे शिफ्ट होना बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको FTL सीखना पड़ता है। तो मेथड की बात आता है मसल मेमोरी। तो मसल मेमोरी में हम जो FTL लगाते हैं, अभी मैंने देखा ये पीस देखा, तो एक बार देखने के बाद मुझे ऐसे याद नहीं करना पड़ता कि इसको पीछे हाइड करना है, फिर इसको यहाँ पे लेके जाना है, इसको ऊपर करना है, हाँ अभी एक पैर बन गया, अभी मुझे इसको इधर लगाना है, तो मैं इसको ऊपर करके पहले इस पे लगाऊंगा, फिर इसको लगाऊंगा। तो ऐसे याद नहीं करना पड़ता, मैं सिर्फ देखूंगा ये दो पीस और आंखें बंद करके उसको इंसर्ट कर दूंगा। ये पैर देखा और मैंने इंसर्ट कर दिया, ये दो पीसेस देखे और बिना कुछ सोचे मैंने अपने आप इंसर्ट कर दिया। मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की है, बहुत बार सॉल्व किए, तो मुझे सब याद हो गए। तो आपको बहुत बार सॉल्व करना पड़ेगा क्यूब, ताकि आपको हर एक FTL के एल्गोरिदम याद हो जाए। अगर आपको देखना है कि आपकी मसल मेमोरी कितनी है, तो कोई भी क्यूब को स्क्रैम्बल करो, और स्क्रैम्बल करने के बाद हर एक FTL पेयर को सिर्फ देखो, आप दो पीसेस ढूंढो और आग बंद करके ट्राई करो कि आप लगा सकते हो या नहीं। अब मैंने ये दो पीसेस देखे, फिर मैं आग बंद करके ऐसे कर सकता हूँ, फिर ये देखा, ये पेयर देखा, फिर मैं आग बंद करके ये कर सकता हूँ, फिर ये दो पीसेस देखे, फिर आग बंद के मैंने ये किया। ऐसे ही आप OLL के लिए भी कर सकते हैं, जैसे सिर्फ केस देख के आप आग बंद करके OLL सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने बहुत बार OLL सॉल्व किए हो तो। जैसे कि ये वाली जो आर शेप वाली सुन केस है, तो उसको आप बिना देखे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने इसको बहुत बार सॉल्व किया है बिगनर मेथड में। तो वैसे ही आपको हर एक FTL केस के लिए करना है।
आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके मसल मेमोरी बढ़ जाएगी। और इसके बाद आता है लुक अहेड। तो लुक अहेड की आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी sub-30 बनने के लिए, तो आप पहले एप्टल पे फोकस कर सकते हो। अगर आपकी मसल मेमोरी अच्छी नहीं है तो लुक अहेड का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि लुक अहेड के लिए आपको एक बार हम जो एप्टल पे देखते हैं, एक बार हमने एप्टल पे देख लिया तो उसको बनाते बनाते हम दूसरा वाला पीस ढूंढते हैं, तो उसके लिए आपकी मसल मेमोरी परफेक्ट होनी चाहिए। तो sub-30 के लिए लुक अहेड की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा तो मुझे लगता है। आप अपने एप्टल एफिशिएंसी पे और फिंगर सॉरी मसल मेमोरी पे काम करें। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिंगर टिक्स। तो फिंगर टिक्स यू के लिए यू, यू डैश के लिए ये फिंगर, फिर आर एल ये यूज़ करते होंगे, लेकिन आप डी के लिए ये, लेकिन आपको डी डैश के लिए ये फिंगर यूज़ करना आना चाहिए, या फिर ये फिंगर ऐसे डी के लिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर यू टू आना चाहिए, देन एम टू जो कि जेड और एच, जी और एच पर में बहुत ही यूज़फुल है। फिर इसके बाद एम डैश जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ये यू पर में काम आएगा आपको। तो आपको फिंगर टिक भी सब आने चाहिए। देन उसके बाद जो सुन वाली केस है उसके लिए आप ऐसे करते हो तो यहाँ पे रीग्रिप बन जाते, तो आपकी फिंगर टेक अच्छे होते तो आप ऐसे ही सॉल्व करते इसको। तो तब यू डैश के लिए ए फिंगर नहीं यूज़ करना है, अगर ए फिंगर बीजी नीचे तो हम रीग्रिप करना पड़ता हमें। तो अभी अभी हमने ऐसे पकड़ा है तो नीचे जाने के बाद हमको रीग्रिप करके यू के लिए करना पड़ता, तो आप यू डैश के लिए ये फिंगर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे सब फिंगर टिक आपको आने चाहिए जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। रिग्रिप नहीं होंगे तो बहुत टाइम सेव होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्पेक्शन टाइम। तो आप अगर बिगनर तो इंस्पेक्शन टाइम को आप ज़्यादा शायद से ठीक से यूज़ नहीं करते, सिर्फ एक दो पीस ढूंढ के आप जल्दी से उसको लगाने की प्रैक्टिस करते हो। लेकिन अगर आप एडवांस क्रॉस की, अगर आपको आता है एडवांस क्रॉस सॉल्व करना, तो आप इंस्पेक्शन जो टाइम है वो पूरा 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 का पूरा यूज़ करते हो। तो इंस्पेक्शन टाइम में हमें पूरा क्रॉस क्रॉस हमारा प्लान करना है और फिर उसको बनाना है। मैं देखूंगा रेड यहाँ पे ब्लू लग गया, मैं पहले ब्लू को यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे जब ब्लू को मैं बीच लेयर में लाऊंगा तो ग्रीन हमारे पोजीशन में आएगा, तब उसको लगाऊंगा। तो ये सब 15 सेकेंड में हमको प्लान करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो ज़्यादा टाइम लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट जितना चाहिए उतना टाइम लीजिए, लेकिन एक दिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करें आपको आदत हो जाएगी। अभी मैं एक ब्लू का दिखाता हूँ, तो मैंने ब्लू को ऊपर किया लेकिन फिर ग्रीन को लगाया, फिर उसको ब्लू को लगाने के बाद ऑरेंज अपने पोजीशन में आके लग गया। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इंस्पेक्शन टाइम पूरा का पूरा यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका क्रॉस ईजी है तो आप अगले पेयर के लिए जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये sub-30 पे आपको ये सब करना चाहिए। आप sub-30 पे सिर्फ क्रॉस पे ही फोकस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रैक्टिस कैसे करते हो। तो आप बोलते होगे कि मैं बहुत बार प्रैक्टिस करता हूँ लेकिन कुछ एवरेज बढ़ नहीं रहा, मैं 1 महीना 2 महीना 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन अभी तक 40 तक ही अटका हूँ। तो उसमें गलत बात ये होगी कि आप प्रैक्टिस ठीक से नहीं करते। तो प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप कितनी बार सॉल्व करते हो, सॉल्व करने से आपका स्पीड नहीं बढ़ने वाला। तो आपको सिर्फ क्या करना क्या है, आपके जो सॉल्व्स है उसकी वीडियो बना के उसको स्लो मोशन में देखना है कि आप कहाँ पर गड़बड़ करते हो, और फिर वहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है। तो आप कोई बोलेगा OLL पे आपको बहुत टाइम लग रहा है, तो आप OLL पे फोकस कर सकते हो, OLL का स्पीड बढ़ा सकते हो। इसी तरह आप हर एक इस पर आप वर्क कर सकते हो, हर एक पॉइंट पे, हर एक फैक्टर पे, OLL PLL FTL क्रॉस फिंगर टिक जो भी मैंने पहले बताया उस पर आप वर्क कर सकते हो।